लोग आपको बुराई करें और आप दुखी हो जाए, लोग आपका तारीफ करें और आप खुश हो जाए, तो समझ लेना आप वह कठपुतली बन चुके हो जिसके सुख और दुख दूसरों के हाथ में है। दोस्तों, लोगों की बात कभी दिल पर नहीं लेना। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में मेला लगा हुआ था। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं करियर आइकॉन। वहाँ मेले में एक बाप और बेटा गया, उसने वहाँ से एक गधा खरीदा। वह तीनों पैदल जा रहे थे। रास्ते में जाते हुए आदमी ने उनसे कहा कि क्या बेवकूफ आदमी हो भाई, गधा तुम्हारे पास है और तुम दोनों पैदल चल रहे हो। दोनों ने सोचा बात तो ठीक ही है, फिर दोनों गधे पे बैठ गए। रास्ते में उनसे एक और आदमी मिला और कह रहा था, दोस्तों ऐसा आदमी है, देखो दोनों गधे के ऊपर बैठा है, गधे का कचूमर निकाल रहे हैं, हट्टे कट्टे दोनों बैठे हुए हैं। बाप को दया आ जाता है और वो उतर जाता है। फिर कुछ दूर चलने पर एक बूढ़ी औरत मिलती है और कहती है, लड़का भी कितना बेशरम है, बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है और लड़का गधे की सवारी का मजा लूट रहा है। अच्छा होता अगर वह पैदल चलता और अपने बूढ़े बाप को गधे पर बैठने देता। लड़का नीचे उतर आता और बाप गधे पर बैठ गया। थोड़ी देर चलने पर एक बूढ़ा आदमी मिलता है और कहता है, वाह भाई क्या स्वार्थी बाप है, मासूम से बच्चे को पैदल चला रहा है और खुद गधे की सवारी कर रहा है। फिर इतना सुनते ही दोनों ने गधे को बांस से उल्टा बांधकर अपने कंधे पर लेकर चल दिया। लोग देखकर हंसने लगे। उन्हीं में से एक बूढ़ा आदमी था, उसने आगे आकर पूछा कि गधे को उल्टा लटका कर क्यों ला रहे हो, क्या यह चल नहीं सकता। उसके साथ जो हुआ उसने बताया। फिर जो बूढ़ा व्यक्ति बोला, सर वो ध्यान से सुनना, आप अपने दिमाग का प्रयोग ना करके तुम दूसरों के कहे अनुसार करते रहे, इसलिए आज तुम पे सब हंस रहे। इस छोटी सी कहानी से हमें यह पता चलता है कि दोस्तों, आप कितना भी अच्छा काम करो, पांच लोग आपका बुराई जरूर करेंगे, और कितना भी गलत काम करो, पांच आपका सपोर्टर जरूर रहेंगे। इसलिए आपको जो अच्छा लगता है उसे करते चलो। इस दुनिया का तो काम ही है अगर वह किसी की बातों पर ध्यान ना देकर आगे बढ़ता तो उस पर कोई भी नहीं हंसता, लेकिन उसने सबकी बात सुनी और सबकी बात करी भी। दोस्तों, सबको खुश नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि सुनो सबकी लेकिन करो अपने दिल की। थैंक्स।